हेलो गाइस, आई एम हिमांशी। दिस इज ए नाइन्थ क्लास मैथ एंड द चैप्टर फोर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.4। यदि हमें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है ऑफ वाई इक्वल टू थ्री का एज एन इक्वेशंस के रूप में इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा एक ही वेरिएबल यूज होता है किसी भी इक्वेशन पे। जैसे मैंने बोला कि एक्स प्लस ये मतलब x प्लस वन, ये इस तरह से था कि वन वेरिएबल आर इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, वन वेरिएबल्स होगा। यदि मैंने x प्लस वाई इक्वल टू आप कह रहे हो 30, तो ये क्या टू वेरिएबल्स होगा, लेकिन हमें वन वेरिएबल्स है y इक्वल टू थ्री। जब हम y इक्वल टू थ्री को ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो नंबर लाइन पे हम इसको शो करेंगे। अब ये भी नंबर लाइन है, मैंने नंबर लाइन बनाई थी 0, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू थ्री, तो यही हमारे इस पर प्लॉट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो भी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है हमारा वाई इक्वल टू थ्री इन द टू वेरिएबल्स में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, तो इसमें ज्योमेट्रिक में y इज इक्वल टू जो 3 है, ये हमें टू वेरिएबल्स में हमें इसको रिप्रेजेंटेशन करना है इस ज्योमेट्रिक फॉर्म के अनुसार। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें तो एक वेरिएबल्स है हमारे y इक्वल टू 3 है, लेकिन वो टू वेरिएबल्स में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें 0x + y = 3। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि एक वेरिएबल बन गया, एक वेरिएबल c बन गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि लेट, क्योंकि पॉइंट लेना है इस पर प्लॉट करने के लिए, तो लेट मैंने किया यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 लिया, तो यहाँ पे अब इसमें पुट कर लेंगे तो कुछ 0 और x की जगह क्या आएगा 0 और प्लस y आ जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें 3। तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 जब हमने x रखा। अब यदि हमने x इज इक्वल टू 1 रखा तो इसमें हम इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन पे, तो ये क्या होगा 0 और x की जगह 1 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा जी, तो 0 ही रह जाएगा प्लस y इक्वल टू 3, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 3। अब हमें क्या पता चल गया कि जब हमने 0 रखा था तो हमारी y की वैल्यू 3 आई थी, जब हमने सेकंड में x की वैल्यू हमने क्या रखा था 1 रखी थी, तो y की वैल्यू फिर भी हमारी 3 आई थी। तो अब हम इसको इस पे ग्राफ पेपर पे क्या कर लेते हैं, अब इसको हम इसमें प्लॉट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ क्या कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल गया, ये 0, तो 0 है ये और इस पे क्या कर लेंगे हम 3, वाई है 3, तो क्या होगा 0 एंड 3, ये पॉइंट प्लॉट हो गया। सेकंड है हमारा, जब हमारा 1 था तो हमें क्या मिला था, हमें 3 मिला था, यहाँ पे 1 आया तो जब भी यहाँ पे क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 1 एंड 3, 1 क्या आपसी का और ये ऑर्डिनेट 3। अब हमें क्या इसको इस लाइन से हमें मिला देंगे इसको हम यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे, इसको हमने ऐसे मिला दिया, तो अब ये क्या रिप्रेजेंट हो गया हमारा वाई इक्वल टू 3, यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट होगा ट्रू वेरिएबल्स में। अब आप कह सकते हैं कि किसके परपेंडिकुलर हो गया, ओ एक्स के परपेंडिकुलर हो गया इसमें ओ एक्स के, क्यों, क्योंकि जो ओ एक्स को हमने क्या किया था, खुद एक्ज्यूम किया था, जिस चीज़ को एक्ज्यूम करेंगे वो इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।